हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेयर आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 3, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं या होते हैं, उनके बारे में हमने बात करी थी हमारे लास्ट लेक्चर में। हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरिएशन, इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशंस हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा कि क्यों रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, रिप्रोडक्शन की इतनी ज़रूरत क्यों है, जब हमें वो लाइफ प्रोसेस करने के लिए, मीन्स कि हमें जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जब ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर इतना ज़रूरी क्यों है रिप्रोडक्शन। हमने इसके बारे में जाना कि स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए इसकी ज़रूरत है, किसी स्पीसीज़ को अगर रहना है अर्थ में, किसी स्पीसीज़ को अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर सर्वाइव करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी बने रहे, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप का होता है, यानी कि दो मेन टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, और वो दो मेन टाइप जो है रिप्रोडक्शन के, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया था कि इसमें किसी भी पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक ही पेरेंट अगर होगा, एक ही पेरेंट का बॉडी पार्ट होगा, उससे ही नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि हमें दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज एग। तो जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और उस जब स्पर्म और एग फ्यूज होकर एक नया सेल बनाता है, तो उसे हम जायगोट बोल देते हैं, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आज हमने पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल, ठीक है। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है जिसमें कोई बॉडी सेल, मींस की पेरेंट की बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन करते हैं। अब देखिए, मियोसिस और माइटोसिस दो सेल डिवीजन होती है, जहां पर माइटोसिस का मीनिंग, मियोसिस का मीनिंग होता है एन, और माइटोसिस का मीनिंग होता है 2n, यानी कि नंबर ऑफ सेल दुगने हो जाएंगे माइटोसिस में और हाफ हो जाएंगे मियोसिस में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का मीनिंग एक ही होता है ना बायो में, हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि जिसमें नया ऑफस्प्रिंग या नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है सिंगल पेरेंट से, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन of new species, production of new species, sorry species नहीं होगा बेटा, new organism होगा ना, new organism from a single parent without the involvement of, without the इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट्स और स्पर्म और एग, स्पर्म एंड एग इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 अलग अलग टाइप के हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे फिजन। फिजन मीन्स टूटना, फ्यूजन मीन्स जुड़ना, ठीक है, फिजन। सेकंड हम पढ़ेंगे बडिंग, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ओके। फोर्थ हम पढ़ेंगे रीजेनरेशन, फिफ्थ टाइप होगा हमारा फ्रैगमेंटेशन, सिक्स्थ होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। तो ये 6 टाइप के
पार्ट हमने पढ़ने हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने ये 6 टाइप पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फिजन। तो फिजन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो फिजन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो देखिए ध्यान से आपने सुनना है और फिर इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो होता क्या है, बहुत सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, जस्ट अपनी बॉडी को तोड़ देते हैं, जस्ट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट इंटू टू आइडेंटिकल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे अपने दो आइडेंटिकल हाफ्स में ये टूट जाते हैं और क्रिएशन करते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म का। बहुत ही सिंपल टाइप का ये प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो पार्ट में टूट जाती है और उससे क्या हो जाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम फीजन बोल देते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फीजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे हम टू की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे को लिख सकते हैं, जब आप बाइनरी फीजन, सॉरी, जब आप फीजन लिख रहे होंगे तो फीजन में आप लिखेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फीजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, टू न्यू ऑर्गेनिज्म आप ऐसे लिख सकते हैं, या न्यू ऑर्गेनिज्म आप लिख सकते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, तो जो फीजन है ना, फीजन में क्या पढ़ा हमने, स्प्लिटिंग होती है टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए स्प्लिटिंग होती है। तो इसी फीजन के दो पार्ट या दो से ज्यादा पार्ट भी आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मली फीजन के हमने टाइप पढ़ने, ठीक है, कितने टाइप का, दो टाइप का फीजन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक फीजन तो हमारा होगा बाइनरी फीजन, बाय मीन्स टू, ठीक है, बाइनरी फीजन, और दूसरा हमने पढ़ना है मल्टीपल फीजन, कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीपल फीजन। तो बाइनरी फीजन में हम टाइप ऑफ फीजन ऐसा फीजन पढ़ेंगे जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो पार्ट में टूटी, तो बाइनरी फीजन। मल्टीपल फीजन में हम टाइप ऑफ फीजन पढ़ेंगे जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी कि पेरेंट की बॉडी किसमें टूट गई, बहुत सारे पार्ट्स में टूट गई, तो उसे मल्टीपल फीजन, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है फीजन मीन्स होता है टूटना, और कौन टूट रहा है, पेरेंट बॉडी टूट रही है, ठीक है। और पेरेंट बॉडी क्यों टूट रही है, क्योंकि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हम पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक पेरेंट की बॉडी का कोई भी पार्ट जो है उससे क्या हो जाता है, स्प्लिट टूट जाता है, और दो या दो से पार्ट ज्यादा पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, इसी को हम फिजन बोलते हैं। इसी बेसिस पे फिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन जिसमें कि बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगी, सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन जिसमें बॉडी मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो बाइनरी फीजन जो होता है इसमें क्या करता है, अब एग्जाम्पल इसमें अमीबा ले लेते हैं, ठीक है। तो अमीबा एग्जाम्पल हम अगर इसमें ले रहे हैं, तो बाइनरी फीजन में पहले सीधे सीधे हम पढ़ लेते हैं, बाइनरी फीजन में जो पेरेंट की बॉडी होती है वो दो पार्ट में टूट जाती है, ठीक है। बाइनरी फीजन, ये पेरेंट है, पेरेंट की बॉडी, ये बॉडी दो पार्ट में टूटी और उसने दो सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, आया ना समझ में। बाइनरी फीजन, पेरेंट की बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देती है, तो उसे हम बाइनरी फीजन बोल देते हैं। और बाइनरी फीजन के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, लेसमानिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं अमीबा की ही आप बात करो, तो अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, लेसमानिया हो सकता है, और बैक्टीरिया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे और हैं जो कि बाइनरी फीजन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रोसेस होती है इसको हम अमीबा में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अमीबा में हम देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होती है। तो देखिए अमीबा की हमें पता है कि अमीबा की बॉडी का कोई भी पार्ट फिक्स नहीं, मींस कि अमीबा की बॉडी का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है, वो कैसे भी हो सकता है, तो किसी भी फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है ना, कैसे एक्सप्लेन आप करेंगे अमीबा की बॉडी में बाइनरी फीजन हो रहा है, तो जब भी अमीबा मैच्योर हो जाता है, अमीबा को सफिशियंट अमाउंट में खाना मिला, अमीबा को नेचुरल कंडीशन अच्छी मिल रही है, अंडर फेवरेबल कंडीशन वो है, या जब भी वो मैच्योर हो गया, नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि अमीबा बिकम मैच्योर इनफ, इनफ मैच्योर हो जाता है जितना उसको होना है, तो उसके बाद उसका न्यूक्लियस क्या करता है, अब वो बढ़ने लगता है, लेंथ में उसकी इंक्रीज होने लगती है, और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस उसका
दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। तो अमीबा की जो बॉडी होती है, दो जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सेल है एक, एक सेल में दो न्यूक्लियस क्या करेंगे, जबकि वो यूनिसेलुलर है। तो बॉडी भी क्या करती है, बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी धीरे धीरे खुद को खींचने लगता है और दो पार्ट में वो भी डिवाइड हो जाता है। तो वन पार्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस के पास क्या चले जाता है, एक पार्ट चले जाता है, फिर साइटोप्लाज्म और खींचता है और डिवाइड हो जाता है, दो सेल का वो फॉर्मेशन वहां पे कर देता है। यानी कि जो ये अमीबा था वो दो छोटे छोटे अमीबा में डिवाइड हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है बेटा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, सॉरी, ये हमने कहा कि ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, या पेरेंट सेल है किसका, अमीबा का, ये न्यूक्लियस है, ओके, और ये वाला पूरा पोर्शन उसका क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये फुली ग्रोन अमीबा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, सबसे फर्स्ट स्टेप में अमीबा हो गया है मैच्योर। ठीक है, पूरी तरीके से मैच्योर है, ये रेडी है रिप्रोडक्शन को करने के लिए या रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए अमीबा की बॉडी रेडी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अमीबा की बॉडी रेडी है तो सबसे पहले धीरे धीरे जब रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्स, बाइनरी फिजन, ये याद रखना है आपको, क्या हो क्या रहा है, बाइनरी फिजन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अमीबा की बॉडी धीरे धीरे खींचना स्टार्ट होती है, कुछ इस तरीके से बॉडी बनी। और ये सबसे पहले काम क्या होता है ना, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये पहले राउंड था, अब धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, खींचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये हो जाता है, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। ठीक है, ये न्यूक्लियस लेंथेंस, ठीक है, सेकंड स्टेप में ये हुआ। अब थर्ड स्टेप में ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है ना, खींचते खींचते ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और अमीबा की बॉडी भी इसी टाइम पे, अब अमीबा की बॉडी भी क्या हो जाती है, कुछ इस तरीके से। अब सेल एक है, हमें पता है कि अमीबा तो सिंगल सेलुलर है, सिंगल सेलुलर बॉडी है, एक सेल है और दो न्यूक्लियस है, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है भी नहीं, तो फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड्स इंटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और अंदर साइटोप्लाज्म में है, ये पूरा पोर्शन उसका साइटोप्लाज्म का है। ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्म है उसकी बॉडी में। तो अब क्या होता है ना, धीरे धीरे क्योंकि अब दो न्यूक्लियस हैं बॉडी में, तो ये हर एक अब क्या करता है, ये जो साइटोप्लाज्म है, एक इधर साइड चले गया, एक इस कोने में चले गया, तो अब यहाँ पे वाला जो साइटोप्लाज्म है वो भी जैसे न्यूक्लियस खींचा था वैसे ही साइटोप्लाज्म भी खींचना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ इस तरीके से उसकी बॉडी बन जाती है। देखिए अमीबा की बॉडी कुछ इस तरीके की, साइटोप्लाज्म कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसका शो करने लगता है, और ये तो उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, दो न्यूक्लियस उसके बन गए थे, अब साइटोप्लाज्म ऐसे हो गया, यानी कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है, तो इसे क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। देखिए कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है अमीबा, कितनी इजी मेथड है। सबसे पहले पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल मैच्योर हो गया तो इसका न्यूक्लियस जो था वो भी खुद को खींचने लगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस में इंक्रीजमेंट आने लगा, मतलब न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से लेंथन होने लगा, डिवाइड होने लगा न्यूक्लियस, और एक टाइम आता है न्यूक्लियस पूरी तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और अमीबा की बॉडी के दो साइड्स में चले जाता है। जब अमीबा की बॉडी के दो साइड्स में चले जाता है, साइटोप्लाज्म को पता चलता है, तो साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, और एक कंडीशन आती है, साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी दो छोटे छोटे अमीबा को बना देता है कुछ इस तरीके से, मतलब यही वाली बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई और पूरा कंप्लीट अमीबा उसने बना दिया, और दो अमीबा बना दिए, दो अमीबा बनाए तो इसलिए क्या कह दिया, और इनको क्या बोल देंगे, टू डॉटर अमीबा, ठीक है, या टू डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा। तो ये क्या हो गया, बाइनरी फिजन। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा क्या हुआ, हमने जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फिजन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। फिजन में हमने कहा कि फिजन दो, फिजन का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग, और फिजन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि किसी भी
मेल या फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक ऑर्गेनिज्म का मतलब एक पेरेंट की बॉडी ही इनफ है, उसकी बॉडी का पार्ट ही क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज़्यादा इक्वल हाफ्स में, और उसके बाद नए सेल का फॉर्मेशन वो कर देता है या नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे वही हुआ, पेरेंट सेल था, यहाँ पे जैसे ही मैच्योर हुआ इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस एक कंडीशन आई पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, और न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होना स्टार्ट किया, और एक कंडीशन आई कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होके इसने दो डॉटर न्यूक्लियाई का, दो डॉटर एमीबा का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, दिस इज बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन है। सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पैरामीशियम में, क्योंकि पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलर एनिमल है, शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया इसकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये भी बाइनरी फिजन के थ्रू ही क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, और इसे लेस्मानिया, लेस्मानिया में भी यही देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन की प्रोसेस देखने को मिलता है मिलती है। देखो लेस्मानिया क्या होता है, एक पैरासाइट होता है जो कि एक डिजीज को कॉज करता है जिसे काला आजार कहा जाता है। काला आजार को नॉर्मली ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेस्मेनियसिस भी इसे कहा जाता है, क्योंकि लेस्मानिया नाम के ऑर्गेनिज्म से ये होता है, प्रोटोजोअन से होता है, और ये बाइनरी फीजन्स के थ्रू क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसके पास फ्लैजिलम होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बाइनरी फीजन क्या होता है, बाइनरी फीजन किस किस में हो सकता है, एमीबा में और पैरामीशियम में हो सकता है, और बाइनरी फीजन की प्रोसेस को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम अमीबा में पैरामीशियम में बाइनरी फिजन की प्रोसेस को हम देख सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। इसमें क्या करेंगे हम, पॉन्ड से हमने पानी ले लिया, मतलब ऐसा कि क्लीन साइड से लेंगे कि क्या पता उसमें हमें अमीबा मिल जाए, अगर हमें अमीबा उसमें मिल रहा है तो उसमें क्या कर देंगे, फिर हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे और मैच्योर अमीबा देखेंगे। अगर वो अमीबा मैच्योर होगा ना, तो धीरे धीरे वो रिप्रोड्यूस करना थोड़ी देर में स्टार्ट करेगा, और विद इन थोड़े टाइम बाद आपको क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कैसे वो स्प्लिट हो रहा है, कैसे वो दो फॉर्म में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बाइनरी फिजन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, अगर नहीं आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्या, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारी वो है फिजन की ही दूसरी प्रोसेस। ठीक है, फिजन की दूसरी प्रोसेस कौन सी है बेटा, फिजन की दूसरी प्रोसेस है मल्टीपल फिजन। ये हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था ना, अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मींस बहुत सारा, ठीक है, यानी कि ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पार्ट में जब डिवाइड हो जाती है कोई बॉडी तो उसे मल्टीपल फिजन कहा जाता है। और मल्टीपल फिजन ये क्या है, एसेक्सुअल मेथड का, रिप्रोडक्शन का ही क्या है, टाइप है ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, हम कह सकते हैं मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट बॉडी होती है वो बहुत सारे, मतलब कि मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म इन द सेम टाइम, मतलब एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का वो फॉर्मेशन कर देती है पेरेंट की बॉडी, तो उस टाइम पे उसे क्या कह दिया जाता है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। तो इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। अब ये कैसे होता है, अब ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसका, इसमें अनसिस्ट सिस्ट फॉर्मेशन या सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन पढ़ते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी कभी ऐसा होता है अनफेवरेबल कंडीशन जब मिलती है तो एक प्रोटेक्टिव वॉल का फॉर्मेशन अपने बाहर कर देता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में हम इसका पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है, हमने 9th में पढ़ा है ना, प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोटोजोअन है जो कि क्या करता है, मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम में चलिए पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक प्लाज्मोडियम सेल है, इसके बाहर क्या हो जाता है, सिस्ट या प्रोटेक्टिव वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये इस सिस्ट के अंदर इसकी सेल्स डिवाइड होते रहती हैं, सिस्ट के अंदर ही सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट करती हैं, छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई इसमें बन जाते हैं जिन्हें डॉटर न्यूक्लियाई बोला जाता है, और थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म इनके अंदर, इनके आसपास क्या हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर भरने लगता है या होने लगता है, और एक थिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ये करने लगता है। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट के अंदर जो सिस्ट है वो क्या करती है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन उसकी बॉडी के अंदर कर देती है, और जैसे ही कंडीशन अराइव होती, फेवरेबल कंडीशन नजदीक आती है, वो सिस्ट क्या हो जाती है, टूट जाती है, और बहुत सारे जो डॉटर सेल इसके अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल आते हैं। तो देखिए कैसे होता है,
डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। ये हमने बनाया एक डायग्राम और इसके अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस और इसके अंदर है हमारा साइटोप्लाज्म। ये सब पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, ये सेल है और ये सेल के बाहर ये पूरी की पूरी क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज नोन एज सिस्ट, ठीक है। आया ना इतना समझ में। ये प्लाज्मोडियम की बॉडी हमने दी, हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ये उसकी सेल है और ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब इसको ग्रो करने का मौका नहीं मिला, इसके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, जैसी कंडीशन उसको चाहिए थी, तो क्या हो जाता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और उस वॉल को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग और सिस्ट, उसे सिस्ट कह देते हैं। अब होता क्या है ना, इसी सिस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किसी दूसरे बॉडी की या दूसरे गैमेट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। तो मैच्योर हुआ, मैच्योर होते ही क्या हो जाता है, इसी के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या होता है, देखो ये सिस्ट है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अब लगातार डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, ये साइटोप्लाज्म इसका भरा हुआ है और इसके अंदर क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस, जैसे उसमें बाइनरी फ्यूजन में पढ़ा था, फिर इनके अंदर न्यूक्लियस, जैसे हमने बाइनरी फ्यूजन में पढ़ा था ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ये बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये चारों तरफ इसका क्या है, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म है। ओके, तो ये क्या बने इसके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन। यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल फ्यूजन हो गया है, ठीक है। तो मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही अब डॉटर सेल तो प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, नॉर्मल सी एक सेल थी, प्लाज्मोडियम का सेल था, इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, बाहर से वॉल आई और जब थोड़े टाइम बाद वो अंदर ही अंदर डेवलप हो गया, तो जो ये न्यूक्लियस था इसने लगातार डिवाइड होना स्टार्ट किया और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया। अब डॉटर न्यूक्लियाई तो बन गई, कब तक वो अंदर रहेंगी, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, इनके अकॉर्डिंग जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए वैसा एनवायरमेंटल कंडीशन हुआ, ये सब के सब, ये जो सिस्ट होती है ना वो कुछ इस तरीके से टूट जाती है। देखिए ये सिस्ट टूटी और इस सिस्ट से निकले ये सारे के सारे डॉटर सेल्स, ऐसे पूरे सब बाहर निकल जाते हैं, बाहर आउटर एनवायरमेंट में ये आ गए, उसके बाद ये मलेरिया को कॉज कर जाएंगे, है ना। तो सिस्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। ओके, तो ये क्या था हमारा, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल कौन है, प्लाज्मोडियम, और बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल कौन है, अमीबा पैरामेशियम लेस्मानिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, फिर प्लाज्मोडियम के बारे में हमने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है जो कि ह्यूमन बींग में मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, मल्टीपल फ्यूजन हुआ और मल्टीपल फ्यूजन में हमने पढ़ा कि एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन और वो उसके अंदर वो न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवाइड करते ही रहता है और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल मिलती है, जो डॉटर न्यूक्लियाई सिस्ट के अंदर बनी हुई है वो क्या हो जाती है, पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, सिस्ट वॉल जो है ब्रेक हो जाती है और डॉटर न्यूक्लियस सब बाहर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये फीजन तो समझ में आ गया होगा। और प्रोटोजोआ के बारे में, माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल एनिमल होता है, जो कि एसेक्सुअल मेथड की जो मल्टीपल फीजन है उससे रिप्रोड्यूस होता है और अबाउट 1000 डॉटर सेल्स एक बार में, एक 1000 के आसपास जो डॉटर सेल्स होती है ना वो रिलीज होती हैं एक बार में, ठीक है, मल्टीपल फीजन में एक प्लाज्मोडियम सेल से। और प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट, पैरासाइट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ फीमेल किससे, कौन कैरी करके लेके आता है प्लाज्मोडियम को, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। ये क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाता है और हमने पढ़ा है 9th क्लास में कैसे मलेरियल साइकिल चलती है, मलेरिया पैरासाइट की साइकिल चलती है, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है या नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं बडिंग के बारे में। ठीक है, बडिंग हम पढ़ लेते हैं या रीजेनरेशन। तो ऐसा करते हैं, पहले बडिंग हम पढ़ लेते हैं। बडिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले हमें बडिंग की मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, बड होता क्या है? बड का मीन होता है एक छोटा सा आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ। ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ होता है बड का मीनिंग, छोटा सा पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, वो लगा हुआ रहता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बड बोल देते हैं। और पता है आपको, ये बड इतना कैपेबल होता है एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बड होगा, मीन्स की ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, अगर वो एक छोटा सा बड प्रोड्यूस करती है, उसकी बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ है जिसे आप बड बोलते हैं, तो वो बड, इवन वो बड भी कैपेबल है किस चीज के लिए, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अब बडिंग में आप क्या लिखेंगे, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एंड बर्ड एज अ बर्ड विच देन डिटेस्ट एंड बिकेम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एसेक्सुअल मेथड की वो एसेक्सुअल मेथड का प्रोसेस है, और द प्रोसेस इन विच अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड एंड व्हेन इट बिकम मैच्योर इट डिटेच्ड एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जब भी ये मैच्योर हो जाएगा तब क्या हो जाता है, बॉडी से, अपने पेरेंट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, यीस्ट एंड हाइड्रा में आपको बडिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल है। ठीक है, हाइड्रा क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा जो कि एक सिंपल मल्टी सेलुलर जरूर है लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडीज की नहीं होती है, मल्टी सेलुलर, सॉरी, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा हमारा होता है। ठीक है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है प्रोसेस ऑफ बडिंग के थ्रू, हाइड्रा में बडिंग की प्रोसेस होती है, और यहाँ पे क्या होती है, इसकी रीजेनरेटिव सेल्स होती हैं। ठीक है, बडिंग की प्रोसेस होती है, बडिंग में रीजेनरेटिव सेल्स यानी कि दोबारा से जेनरेट होने वाली सेल्स इसमें प्रेजेंट रहती है। तो अब देखते हैं हाइड्रा में होता कैसे, तो हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा कुछ इस तरीके की बॉडी हाइड्रा की होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की बॉडी आपको देखने को मिलेगी हाइड्रा की, ये स्मॉल टेंटिकल्स उसके होते हैं, टेंटिकल्स। ठीक है, TENTACLES टेंटिकल्स है, और ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, ए आप करके इसको दिखा दो। ठीक है, अब जब ये हाइड्रा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा ना, जब ये हाइड्रा मैच्योर होगा तो धीरे धीरे इस हाइड्रा की बॉडी में, ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा की बॉडी में कहीं पे भी एक छोटा सा बड, ये हो गया बड। ठीक है, ये बड अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये हाइड्रा था, बाकी चीजें वैसी रहेंगी, एक छोटा सा बड, एक छोटे से स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ इसमें निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये है, अब जैसे ये बड बना, धीरे धीरे ये बड भी ना इसी बॉडी में ग्रो करना स्टार्ट करता है, इसी पेरेंटल बॉडी में ये ग्रो करना स्टार्ट करता है। कैसे, ये तो था ही ऑलरेडी, अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे को ग्रो कर जाएगा, ऐसे ऐसे इससे लगा हुआ है, इसमें टेंटिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसके तो हैं ही टेंटिकल्स। अब ये क्या बन गया, न्यू हाइड्रा, छोटा सा नया हाइड्रा बन गया। काहे से, इस बर्ड से, क्योंकि इस बर्ड के पास क्या थे, रीजेनरेटिव सेल्स थी, उस रीजेनरेटिव सेल ने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन किया, रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन इसने किया, और इस माइटोसिस डिवीजन का क्या था रिजल्ट, ये था कि यहाँ पे को क्या हो गया, लगातार माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से इस बर्ड से एक नया हाइड्रा बना। अब हाइड्रा ये यहाँ पे को मैच्योर हो गया, इसे इस पेरेंट बॉडी की अब जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, थोड़े टाइम बाद अपनी पेरेंट की बॉडी से बाहर आ जाता है, यानी कि अपनी पेरेंट की बॉडी से बाहर निकल के, ये पेरेंट की बॉडी थी, ये हाइड्रा था पेरेंट की बॉडी का, और उसके बाद एक नया हाइड्रा यहाँ पे को, नए हाइड्रा का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नया हाइड्रा, देखिए ये पेरेंट बॉडी थी, पेरेंट बॉडी जैसी थी वैसी ही रही, और उसके बाद न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि बड से और रिप्रोडक्शन होता है, बड मीन्स स्मॉल आउटग्रोथ, छोटा सा आउटग्रोथ जो कि पेरेंट की बॉडी में निकलता है, और धीरे धीरे वो पेरेंट की बॉडी में ही ग्रो करता है, और एक टाइम आता है कि वो पूरी तरीके से फुली मैच्योर न्यू हाइड्रा, हाइड्रा का हमने एग्जाम्पल लिया था, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है कि तो पेरेंट की
एंटीबॉडी से डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अलग हो जाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे बडिंग, बडिंग के बारे में आप लिखेंगे, बडिंग क्या होती है और ये किस में होती है, यीस्ट एंड हाइड्रा में होती है। तो आप क्या लिखेंगे, हाइड्रा इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच फर्स्टली अ स्मॉल बर्ड अराइज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ हाइड्रा और पेरेंट बॉडी, आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ग्रेजुअली व्हेन दिस बर्ड बिकेम न्यू ऑर्गेनिज्म एंड गेट मेच्योर द न्यू ऑर्गेनिज्म डिटैच एंड फॉर्म एन कंप्लीट ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या करता है, डिटैच हो जाता है और एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। दस अ न्यू हाइड्रा इज फॉर्म बाय द पेरेंट बॉडी, तो एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है पेरेंट बॉडी से। और यहाँ पे किस क्या होता है, रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होता है इसकी सेल्स में, ठीक है, रिपीटेड माइटोसिस रिविजन की वजह से ये होता है। तो अब जैसे हमने पढ़ा इसमें, किसमें, हाइड्रा में पढ़ा, तो ऐसे ही यीस्ट में भी होता है, ठीक है, यीस्ट में भी सेम ऐसी ही प्रोसेस होती है। तो यीस्ट की प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ यीस्ट में कैसे होता है। तो हाइड्रा का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं यीस्ट में बडिंग, ठीक है, यीस्ट में बडिंग कैसे होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए यीस्ट, ये है पेरेंटल यीस्ट, ठीक है, हमने कहा कि ये पेरेंट बॉडी है किसकी, यीस्ट की या पेरेंट सेल ऑफ यीस्ट। अब ये मैच्योर हुआ जिसको आगे जाके रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे ये मैच्योर हुआ तो इसकी बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ, जैसे हाइड्रा की बॉडी में आया ना, वैसे यीस्ट की बॉडी में भी एक छोटा सा आउटग्रोथ आया और ये यहाँ पे को ये बर्ड आया, बर्ड ही से हम बोलेंगे, ठीक है, ये बर्ड आया। अब देखिए यीस्ट में, हाइड्रा में तो हमने एक ही तरीके से पढ़ा कि बर्ड आया, वो मैच्योर हुआ और अलग हो गया, लेकिन यीस्ट में ये प्रोसेस दो टाइप से हो सकती है, दो तरीके की प्रोसेस यहाँ पे को यीस्ट में देखने को मिलती है, या दो टाइप का यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी तो ऐसा होता है ये जो बर्ड है इससे बाहर निकल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, मैच्योर हो गया तो क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। कैसे, ऐसे बाहर निकलेगा, ये पेरेंट की बॉडी है और ये जो नया यीस्ट सेल है वो यहाँ पे को बन गया, ठीक है, न्यू यीस्ट सेल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हाइड्रा था वैसे ही इसमें भी हुआ, उसमें पेरेंटल बॉडी थी, पेरेंटल बॉडी में जो सेल था, जो उसकी बॉडी थी, वहाँ पे एक स्मॉल आउटग्रोथ आया जिसे हमने बर्ड कहा, वो बर्ड पेरेंट की बॉडी में मैच्योर हुआ, जैसे ही मैच्योर हो गया वो पेरेंट की बॉडी से अलग निकल गया और नए इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, पेरेंट की बॉडी में ये बर्ड रह जाता है, मतलब कि ये निकल नहीं पाता है, डिटैच नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बर्ड्स रिमेन अटैच्ड। जब ये अटैच रह जाता है तो ये कुछ इस तरीके की बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये यीस्ट सेल था, ये यहाँ से भी लगा होगा, फिर इसमें ये तो मैच्योर हो गया था ना, इससे निकलेगा, इससे भी तो आउटग्रोथ निकलेगा, फिर इससे भी निकला, फिर यहाँ एक नया बना, फिर इससे आउटग्रोथ निकला, फिर इससे आउटग्रोथ निकला, तो कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी ऐसे ही यहाँ पे रह जाती है। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो तब ये डिटैच हो जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है, मतलब एक लंबी चेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन यहाँ पे किसका हो जाता है, यीस्ट की सेल बॉडी का, ठीक है। तो जो सेल वॉल है, न्यूक्लियस जो होता है पेरेंट सेल का, वो उसके बाद पहले दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट तो जो न्यूक्लियस है वो बर्ड में निकला, अल्टीमेटली बर्ड सेपरेट ऑफ हो जाता है अपने पेरेंट सेल से और एक नए यीस्ट सेल का फॉर्मेशन करता है, और जबकि दूसरी जगह क्या हो जाता है, ये बर्ड्स क्या हो जाते हैं, अटैच ही रह जाते हैं और एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और अलग अलग ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो प्रोसेसेस आज हमने पढ़ी। फर्स्ट क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा फीजन, फीजन में हमने पढ़ा कि देर आर दो टाइप, टू टाइप्स ऑफ फीजन, फर्स्ट वन इज बाइनरी फीजन, सेकंड वन इज मल्टीपल फीजन। और एग्जांपल हमने कौन कौन पढ़े, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन का। बाइनरी फीजन का एग्जांपल हमने पढ़ा एमीबा, और मल्टीपल फीजन का एग्जांपल हमने पढ़ा क्या, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि बडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, बडिंग हमने पढ़ा छोटा सा स्मॉल आउटग्रोथ होता है पेरेंट की बॉडी में ही जो होता है, और ये इसके एग्जांपल हाइड्रा और यीस्ट। हाइड्रा में जो बडिंग की प्रोसेस पड़ी, सिंपल सी प्रोसेस, एक छोटा सा आउटग्रोथ मैच्योर हाइड्रा की बॉडी में अराइज हुआ, जब वो बर्ड धीरे, और इस बर्ड में रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन हुआ, यानी कि नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर इंक्रीज होने के बाद जो ये छोटा सा बर्ड था ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगा प्लांट बॉडी में या हाइड्रा की बॉडी में, और जैसे ही हाइड्रा की बॉडी में
ये मैच्योर हो गया, ये क्या हो गया, बॉडी से बाहर डिटेक्ट कर दिया और इन्हें ये हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया, है ना। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा यीस्ट का, जो कि बडिंग का ही एग्जाम्पल था। यीस्ट की बॉडी में भी एक छोटा सा स्मॉल आउटग्रोथ आया और उसके बाद वो क्या हो गया, एक कंडीशन वो तो अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया। तो नया सेम वही हुआ, ये इसमें पेरेंट की बॉडी में स्मॉल आउटग्रोथ, इसमें मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद वो अलग हो गया। दूसरा बर्ड रिमेन अटैच्ड, बर्ड क्या हो गया, दूसरी कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बर्ड से अटैच ही रह जाता है, डिटैच नहीं हो पाता है, नहीं निकल पाता है, उस टाइम पे एक लंबी चेन बन जाती है यीस्ट की, और जब फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलेंगी तो तब वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग यीस्ट के फॉर्म में फिर से वही प्रोसेस अपनी यूज करने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो प्रोसेसेस थी। अगले नेक्स्ट जो पार्ट हमारा होगा उसमें हम स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे, जो कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तब तक के लिए आपने पढ़ना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कीजिए, आप मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।